क्यों रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच अचानक से टीज होने लगा है, उसोस का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा फैटल फोर वे टैग टीम मैच जीत करके, ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर के आगे क्या दिखेगा, और क्या सोलो सिकोवा एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने के बाद आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में टाइटल के साथ ब्लड लाइन में दिखाई देंगे या नहीं, इन सब के बारे में बात करने वाले आज की इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने चार टैग टीम्स के बीच फैटल फोर वे टैग टीम मैच अनाउंस किया हुआ है, जिसमें न्यू डे वर्सेस अल्फा एकेडमी वर्सेस लॉस लोथारस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच दिखेगा। अब एक तरह से ये रीमैच इन चारों टीम के बीच दिखने वाला है। लास्ट वीक अगर हम रॉ के एपिसोड की बात करें तो इनके बीच मैच चल रहा था और उसी दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वापसी करके इन सबको मारा था और पूरा मैच बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से WWE ने इन चारों टीम के बीच अब रीमैच अनाउंस करा है, जहां से जो मैच जीतेगा वो उसोस को यूनिफाइड टैग टीम टाइटल को फेस करेगा आने वाले शायद एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में या किसी ब्रांड शो में। अब लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मेन इवेंट में जब उसोस ने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करा था तो उनको बचाने स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मैच हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज उसोस के बीच समर स्लैम में दिखाई दिया था, जहां माना जा रहा था कि इन दोनों की फ्यूड एंड हो चुकी है। अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के इस एंगल को साइड में रख दें तो मुझे लगता है कि लॉस लोथारस इस मैच को जीत सकते हैं, जो कि उसोस के लिए बहुत बड़े अपोनेंट नहीं होने वाले हैं। उसोस को एक और मौका दिया जाएगा टाइटल रिटेन करके आगे बढ़ने का। अब बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में। आने वाले इस एपिसोड को लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि गंथर का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा या वो किसके खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, ये आने वाले इस एपिसोड में रिवील होने वाला है। वही अगर हम गौर करें उनकी जो फ्यूड चली आ रही है शेमस के साथ, वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्लैश एट द कैसल में गंथर वर्सेस शेमस के बीच काफी फिजिकल मैच दिखाई दिया था, जिसमें काफी अग्रेसिव दोनों सुपरस्टार दिखाई दे रहे थे। वहीं क्लैश एट द कैसल में गंथर की टीम इंप्रीमियम और शेमस की टीम ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच तगड़ा ब्रॉल भी देखने को मिला था, और लास्ट वीक सिक्स मैन टैग टीम मैच भी हमें इन दोनों टीम के बीच देखने को मिला था, जिस मैच में काफी ज्यादा एक्शन और फिजिकल एक दूसरे से सुपरस्टार होते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मैच को इंप्रीमियम ने जीत लिया था। हालांकि अभी जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं वो ये कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में शेमस ही गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और फिर WWE इस मैच को ऑफिशियल करके इन दोनों सुपरस्टार के बीच एक बार फिर से एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में मैच करा सकती है। अब बात करें ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE में वापस आए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में वो हमें नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो दिखाई देंगे और फिर से किसी को निशाना बनाते हुए नजर आएंगे। अगर मैं उनके रिटर्न की बात करूं तो उन्होंने रिटर्न होते ही चार टैग टीम पर एक साथ अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड में वो अल्फा एकेडमी के दोनों मेंबर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आए थे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को किसके अगेंस्ट स्मैकडाउन में फ्यूड में दिखाती है। क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर के प्लान क्लियर है या नहीं है? अगर मैं बात करूं आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड की, तो हो सकता है WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को और डोमिनेट और पावरफुल दिखाने के लिए लोकल रेसलर के साथ मैच में उतार दें, जो कि 2-on-1 हैंडीकैप मैच हो सकता है, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन को भरपूर मौका मिलेगा अपनी पावर उन लोकल रेसलर्स पे दिखाने के लिए। वहीं देखना यह भी होगा कि उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE किस तरह से बुक करती है WWE में और किस किन सुपरस्टार के खिलाफ उतारती हुई देती है। अब बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस के बीच। तो लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में मेन इवेंट में जब सोलो सिकोवा वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच चल रहा था, तभी अचानक से कैरियन क्रॉस ने आके ड्रू मैकइंटायर को निशाना बना के बुरी तरह से अटैक कर दिया था। अगर मैं बात करूं कैरियन क्रॉस के रिटर्न की, तो उन्होंने रिटर्न जब स्मैकडाउन पे करा था तो भी आके ड्रू मैकइंटायर को निशाना बनाया था। उसके बाद वो बैक स्टेज काफी सारे शॉर्ट प्रोमो में ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करते हुए आए थे। अगर मैं बात करूं यूके में हुए क्लैश एट द कैसल पेपरव्यू की, तो वहां पे क्राउड में बैठ के भी वो ड्रू मैकइंटायर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए आए थे, जब ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंज के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आने वाले एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर फुल मूड से उतरेंगे कि भाई बदला अब तो कैरियन क्रॉस से लेना ही है। अब ड्रू मैकइंटायर ऐसा कर पाएंगे या नहीं वो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी बात क्लियर और निकल कर सामने आ रही है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के ही बीच आने वाले एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में मैच दिखेगा, जो कि शायद इस पेपरव्यू का मेन इवेंट मैच हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि आने वाले एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर
एंटायर कैरियन क्रॉस पर अटैक करके अपना बदला ले पाते हैं, या कैरियन क्रॉस या उनकी वाइफ स्कारलेट कुछ माइंड गेम यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं देखना यह भी होगा कि या दोनों सुपरस्टार स्मैकडाउन में कोई मैच लड़ते हुए दिखाई देते भी हैं या नहीं। वहीं देखना यह भी होगा कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में इन दोनों सुपरस्टार में से कोई मैच लड़ता हुआ दिखाई देता है या नहीं। जो भी मैच लड़ेगा दूसरा सुपरस्टार आके उस पर जरूर अटैक करता हुआ दिखाई देने वाला है। अब बात करें रोमन रेंज की, तो लास्ट वीक रोमन रेंज स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई नहीं दिए थे। उनकी एब्सेंस में उनके कजिन सोलो सिकोवा ब्लड लाइन में उसोस और सैमी ज़ेन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे, उन्होंने प्रोमो वगैरह भी दिया था। वहीं लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड के मेन इवेंट में उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ शानदार मैच भी लड़ा था। अब उसके बाद सोलो सिकोवा एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन चुके हैं, तो देखना यह होगा कि आने वाले एपिसोड में वो ब्लड लाइन के साथ टाइटल लेते हुए खड़े दिखाई देते हैं या नहीं। वहीं रोमन रेंज आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में दिखने वाले हैं और ये कन्फर्म है। आपको ये भी बता दूं कि रोमन रेंज को इस एपिसोड में लोगन पॉल जो कि यूट्यूब क्रिएटर हैं वो कन्फ्रंट करने वाले हैं, और खास करके ट्रिपल एच ने उनको इस एपिसोड के लिए इनवाइट किया हुआ है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने अपडेट दी थी कि रोमन रेंज लोगन पॉल के पॉडकास्ट में दिखाई दिए थे, जहां उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई थी। रोमन रेंज ने लोगन पॉल को अप्रिशिएट भी करा था और उनके करियर के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी कहा था। बट रोमन रेंज के जाने के बाद लोगन पॉल उनकी पीठ पीछे बुराई करते हुए नजर आए थे, तो उसके बाद रोमन रेंज ने एक ट्वीट करा, उसमें लिखा कि भाई मैं तेरे शो में आया, तूने मुझे अक्नॉलेज करा, उसके बाद तू पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, वाइज मैन इसको हैंडल करो। इसके बाद लोगन पॉल ने क्या करा कि रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया। अब ये देख करके सब शॉक हो गए कि भाई लोगन पॉल रोमन रेंज को चैलेंज कर रहा है। अब ट्रिपल एच WWE को कैसे बेहतर बना रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिपल एच ने लोगन पॉल को इस एपिसोड के लिए इनवाइट कर लिया कि आके रोमन रेंज को कन्फ्रंट करो। जिसके बाद ट्विटर पे भाई फैंस फट पड़े हैं। रूमर्स अब ऐसे आ रहे हैं कि एक्सट्रीम रूल्स में तो रोमन रेंज टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे नहीं, तो आने वाले सऊदी अरेबिया के इवेंट जो कि क्राउन जूल है उसमें शायद रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल के बीच WWE मैच दिखा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि रोमन रेंज के अगेंस्ट अब अपोनेंट्स की कमी कैसे दिखाई दे रही है, जो कि लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार को WWE उतार रही है। मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसके बाद ट्विटर पे काफी फैंस भड़क गए कि भाई लोगन पॉल जैसे इंसान को या स्टार को मैच मिल रहा है रोमन रेंज के अगेंस्ट, तो बाद बाकी के सुपरस्टार बस क्या खड़े खड़े देखते रहेंगे। वहीं कुछ लोगों ने तो ये लिखा कि ये बच्चा है, इसको NXT में परफॉर्म करवाओ, रोमन रेंज के अगेंस्ट इतने बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट इसको इतनी जल्दी मैच कैसे मिल सकता है, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब WWE यूनिवर्स में इस तरह की बातें चल रही हैं कि WWE ये सब कर ही इसलिए रही है ताकि वो रोमन रेंज और लोगन पॉल के बीच एक मैच सेट कर सके। अब इस मैच में सबको पता है कि हार जीत किसकी होगी। अब देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं, क्या इन दोनों के बीच मार धाड़ या ब्रॉल दिखता है या नहीं। अगर ब्रॉल दिखा तो फिर तो ये क्लियर ही हो जाएगा कि इन दोनों के बीच मैच दिखने वाला है। अब आप लोग बताइएगा कि रोमन रेंज के अगेंस्ट लोगन पॉल को उतारने का ट्रिपल एच का आइडिया कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है और यहां तक देखते हुए आ गए हो तो यार लाइक करो यार, सोच क्या रहे हो। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।